टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशाम्बी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। बॉलीवुड की दिल की धड़कन कार्तिक आर्यन अनुराग बसु की फिल्म आशिकी 3 में दिखाई देंगे। आशिकी 3 एक बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा थ्रिलर है। बता दे, जब से कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया पर अपडेट किया है, उनके प्रशंसक उत्साहित हो गए हैं और ट्विटर पर उनके नाम के साथ साथ उनकी आने वाली फिल्म ने ट्रेंड करना शुरू कर दिया है। बता दे कि इस फिल्म में डैशिक कार्तिक आर्यन किसके साथ रोमांस करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट में। भूल भुलैया की सक्सेस के बाद कार्तिक आर्यन की झोली में एक और बड़ी फिल्म आ गई है। फिल्म का नाम है आशिकी 3, जिसके पहले दो पार्ट जबरदस्त हिट रहे हैं। रोमांटिक ड्रामा जोन की ये फिल्म काफी पसंद की गई और अब कार्तिक की बारी है आशिकी फरमाने की। लेकिन किसके साथ, ये बड़ा सवाल है। फिल्म में लीड एक्टर कौन होगा, ये तो फाइनल हो गया है, लेकिन हीरो इश्क किसके साथ फरमाएगा, फिलहाल इसे लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। आशिकी 3 एक आगामी बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा थ्रिलर है। फिल्म का निर्देशन अनुराग बसु करेंगे। इसमें कार्तिक आर्यन मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म के 2023 की चौथी तिमाही में रिलीज होने की उम्मीद है। आशिकी 3 के बारे में भले ही बहुत सी बातों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इस बात पर मुहर लग चुकी है कि कार्तिक आर्यन इस मूवी का हिस्सा रहेंगे। हाल ही में कार्तिक आर्यन अनुराग बसु और भूषण कुमार से मिले और तीनों ने फिल्म के आगे के डेवलपमेंट के बारे में बातचीत की। अब खबर आई है कि इस रेस में बॉलीवुड की तीन हसीनाएं हैं जिनके साथ कार्तिक आर्यन की जोड़ी बन सकती है। इस लिस्ट में पहला नाम है श्रद्धा कपूर का, जो आशिकी 2 में भी थी और इसमें उन्हें श्रद्धा को नाम और शोहरत दिलवाई। कहा जा रहा है कि श्रद्धा कपूर को ही आशिकी 3 के लिए साइन किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा नाम कृति सेनन का, जिनके साथ कार्तिक की जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। लुका छिपी के बाद वो शहजादा में साथ काम कर रहे हैं और अब अगर कृति की एंट्री आशिकी 3 में होती है तो ये तीसरी फिल्म होगी जिसमें ये जोड़ी दिखेगी। दो नाम तो हमने आपको बता दिए, अब तीसरा नाम थोड़ा आपको चौंका भी सकता है, जो है दीपिका पादुकोण का। जी हाँ, कार्तिक आर्यन के ऑपोजिट दीपिका का नाम भी आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये पहला मौका होगा जब स्क्रीन पर ये जोड़ी दिखेगी। सबसे पहले 1990 में आशिकी फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें राहुल रॉय और अनु अग्रवाल ने धमाका कर दिया था। इसके बाद 2013 में आशिकी 2 रिलीज हुई, जिसमें आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर ने सभी को फिर से प्यार में फना हो जाना सिखाया। अब आशिकी 3 में कार्तिक संग कौन रंग जमाएगा, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हैं। आशिकी 3 आशिकी फ्रेंचाइजी का तीसरा संस्करण होगा, जो एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा है। फिल्म आशिकी 2 के सफलता और तुम ही हो गाने की लोकप्रियता के कारण इस फिल्म से भी काफी उम्मीदें हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।